स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है, मैं इसमें बात करने वाला हूं फ्रॉड एजेंट से कैसे बचे, बिकॉज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो फंस जाते हैं, एजेंट्स के चक्कर में फंस जाते हैं, और एजेंट क्या करते हैं बाद में, और एजेंट किस तरीके से आपको चीट करते हैं। तो ये पूरी जो आज की मेरी ये जो वीडियो है, ये उसी पर बेस्ड है। तो होपफुली आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे। प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो वीडियो थोड़ा बहुत देखते हैं तो वो मत देखें, जो थोड़ा सा शुरू की एक लाइन देख ली, बिकॉज कोई फायदा नहीं है। अगर आप उतना थोड़ा देख के फिर पूरा नहीं देखोगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। तो मेरी वीडियो वैसे भी ज्यादा लंबी नहीं रहती है, मैं शॉर्टकट में कोशिश करता हूँ कि पूरी पूरा टॉपिक कवर कर दूँ। तो ये फ्रॉड एजेंट कौन होते हैं, आखिर फ्रॉड एजेंट कहाँ से आते हैं, इनको कहाँ से शिपिंग का आइडिया मिलता है, और इनको कहाँ से कैंडिडेट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, एजेंट को हम लोग बोलते रहते हैं, उसके अलावा ये हमारी गलती है कि हम उनके चक्कर में फंस जाते हैं। हमें उनके चक्कर में, क्योंकि मैं बार बार मेरी हर वीडियोज में बताता हूँ, एजेंट से बचें, स्पॉन्सरशिप होके जाएं, एग्जाम दे के जाएं, प्रॉपर तरीके से जाएं। अब एजेंट के चक्कर में कौन फंसते हैं, या तो जिनके 12th में मार्क्स कम होंगे, जिनके 12th में 65% या 60% से कम होते हैं, वो सोचते हैं कि हम भी DNS ज्वाइन कर लें, तो वो किसी को कहीं से पता करेंगे कि हाँ ये बंदा भाई करवा सकता है, जुगाड़ से करवा सकता है। अरे जब DG शिपिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप कितना भी जुगाड़ लगा लो, नहीं हो पाएगा। फिर उसको भी मौके की तलाश हो जाती है, और वो उसको इस तरीके से कन्वेंस करेगा, इस तरीके से बातें बनाएगा, फोटोज दिखाएगा, प्रूफ्स दिखाएगा कि कितने बंदों को शिप पे भेजा है, ये सारे प्रूफ आपके सामने रखेगा। तो आप उसकी लाइमलाइट वाली बातों में आ जाते हो, और आके उसको एक बार पैसा देना स्टार्ट कर देते हो। शुरू में बोलेगा 50,000, फिर धीरे बोलेगा नहीं आपके टिकट के 30,000 लगेंगे, फिर बाद में बोलेगा नहीं वीजा के 50,000 लगेंगे, बाद में फिर ओके टू बोर्ड के 70,000 लगेंगे। इस तरीके से एक एक करके वो कई सारे पैसे आपसे ऐंठ लेता है, और बाद में फिर वो आपका नंबर भी ब्लॉक कर देता है। आप दूसरे नंबर से कॉल करोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नंबर वन, इन सब बातों में नहीं आना है। जैसा कि मैंने बताया, प्रॉपर एग्जाम दे के जाओ वरना मत जाओ, प्रॉपर तरीके से जाओ वरना मत जाओ, क्योंकि एक बार अगर फंस जाओगे, आपके पैसे चले जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। कितना भी सोर्स लगा लो, वो पैसे मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरे तरीका, किस टाइप के लोगों को एजेंट फंसाता है, अब जिस जो प्रीसी ट्रेनिंग कर चुके हैं, वो बेचारे प्रीसी ट्रेनिंग 3 लाख 4 लाख रुपए लगा के ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बाद अब वो एजेंट की बात, अब उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो कोई ऐसा बंदा ढूंढते हैं जो जॉब लगाते हैं। अब कुछ एजेंट ऐसे मिल जाएंगे, हम लगवा देंगे 3 लाख दे दो, 3.5 लाख दे दो, इस तरीके से, और आप मजबूरी में उनको पैसे दे देते हैं। फिर वो पैसों का क्या करते हैं, धीरे धीरे वो भी इस तरीके से बहाना लगाएंगे, अभी शिप कहीं और कंट्री में है, आने वाला है, शिप एंकर पे है, शिप बर्थ पे नहीं आया, इस तरीके से करते करते आपके 3-4 महीने वो घुमा देंगे। 3-4 महीने बाद धीरे धीरे वो फिर इस तरीके से बिहेव करेंगे, आप समझ जाओगे कि ये कुछ होने वाला नहीं है। तो एजेंट ऐसा भी करते हैं। नंबर थ्री, एजेंट क्या करते हैं, ठीक है उन्होंने आपसे पैसे लिए और आपको बोला कि हाँ ठीक है हम चढ़ाएंगे, उन्होंने आपको फ्लाइट टिकट भी दी, ओके टू बोर्ड भी दिया, आपके डॉक्यूमेंट्स भी रख लिए, CTC पासपोर्ट, और आपको भेज भी दिया, आपको बोला हम सो एंड शो शिप में आपको भेज रहे हैं, 300 मीटर का जहाज है, GRT 60,000 टन है, इस तरीके से आपको शिप का जो पर्टिकुलर्स है इस तरीके से आपको देंगे, तो आप खुश है। आप अपने 2-3 दोस्तों को और बताएंगे कि भाई वो एजेंट मेरा करवा रहा है वो, और वो सब उसके पास जाएगा, उसके बाद सबसे पैसा लेगा और सबको फ्लाइट टिकट देगा, 3-4 बंदों को एक साथ भेज देगा गल्फ एरिया में, ईरान या इराक में, कोई भी गल्फ एरिया में भेज सकता है। वहां पर भेजने के बाद क्या करते हैं एजेंट, वहां पर जाने के बाद वहां एक तो एयरपोर्ट पे आपको कोई लेने नहीं आएगा, समटाइम अगर लेने भी आता है तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं, CDC और पासपोर्ट, और आपको छोटे छोटे टग बोट्स में या डेड शिप्स में भेज देते हैं। 2-3 साल आपसे वही काम करवाएंगे, आपको 1 रुपये मिलने वाला नहीं, आप फंस जाओगे, आप इंडिया भी नहीं आ सकते वापस, और वहीं पे फंसे रहोगे। तो इस तरीके का काम भी एजेंट करते हैं। एक बार अगर आप ऐसी कंट्री में फंस गए और वहां पर मतलब आप फंसे हुए हो, तो सोचो आपके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतेगी, आपके माता पिता के ऊपर क्या बीतेगी, जिन्होंने इतने सपने सजाए हैं, इतनी उम्मीदों के साथ आपको भेजा है, इतनी आशाओं के साथ
आपको इस तरीके से भेजा है। तो दोस्तों इस चक्कर में ना पड़े, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर और क्या करते हैं एजेंट, समटाइम वो आपको बोलेंगे ठीक है हम आपको शिप दे रहे हैं, आप आ जाओगे उसकी बातों में, और आपको शिप पे भेज भी देते हैं सपोज दैट, पर वो आपको 1 भी रुपए नहीं देंगे। प्लस उनके शिप्स रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, सबसे बड़ी ये बात है कि अगर आप वहाँ से करोगे भी तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो जो सी टाइम है वो आपका काउंट होगा ही नहीं। जब अगर वो सी टाइम काउंट ही नहीं होगा तो फिर वो फायदा क्या, अगर जो चीज़ आप करना चाहते हो वो उस चीज़ में अगर आप सक्सेस ही नहीं हो पाए तो फायदा क्या। इस तरीके से भी करते हैं एजेंट। कुछ एजेंट्स क्या करते हैं, वो शुरू में फॉर्म निकाल देंगे, मतलब आई मीन नॉट एजेंट, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उन्होंने इधर उधर से अप्रूवल ले ली। उसके बाद वो क्या करते हैं, आपको 4 STCW कोर्स करा देंगे। 4 STCW कोर्स कराने के आपसे 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए इस तरीके से ले लेंगे। आपको पता भी नहीं है कि वो 4 STCW कोर्स की फीस मात्र 8,000 रुपये है, 8,000 से 10,000 रुपये तक में हो जाते हैं। उन 4 STCW कोर्स के बेस पे आपको CDC दिलवा देंगे, जो कि आप खुद से भी ले सकते हो, और उसके बाद उसको बोला जाता है Open CDC। उसके बाद आपको छोड़ देंगे, आप इधर उधर एंक्वायरी करते फिरोगे कि सर Open CD से जॉब लग जाती है क्या, जॉब लग जाती है क्या, फिर एजेंट के चक्कर में आप पड़ोगे और इस तरीके से आप फिर फंसे के फंसे रह जाओगे। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है, इन फ्रॉडगिरी से आपको बचना है, क्योंकि मैंने मेरी हर वीडियो में बताता हूँ एजेंट से बचो, प्रॉपर तरीके से जाओ, प्रॉपर मार्क्स लेके जाओ, प्रॉपर जो आपके नंबर हैं उन नंबरों से जाओ। क्या ज़रूरत है हेरा फेरी करके जाने की, अगर आपको जो प्रोसीजर है, और कोई इतना मोटा टफ, इतना बड़ा टफ एग्जाम भी नहीं है, कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल स्टूडेंट्स भी निकाल देते हैं। देखो दोस्तों आजकल परसेंटेज लाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक टाइम था जब परसेंटेज नहीं आया करती थी, जब हम लोग एग्जाम देते थे। मेरे को स्टिल आई रिमेम्बर 12th क्लास में जब मैंने एग्जाम दिया था, हम लोग 61 स्टूडेंट्स का बैच हुआ करता था, 61 स्टूडेंट्स में ओनली 5 या 6 ही स्टूडेंट पास हुआ करते थे, उसमें भी किसी के परसेंटेज उतने अच्छे नहीं आते थे। आजकल परसेंटेज पे जो पासिंग रेशियो भी इंक्रीज हो गया, परसेंटेज रेशियो भी इंक्रीज हो गया, मैं हैरान हूँ कई विद्यार्थियों के 99, 98, 100% मार्क्स है, ऐसा तो सुनने को कभी हमें मिलता नहीं था। तो दोस्तों आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छा है, बस आपको मेहनत, लगन और संघर्ष की ज़रूरत है। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाएंगे, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। लेकिन अगर आप गलत रास्ते से जाओगे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, बल्कि आप फंसते चले जाओगे। कहते हैं ना, दलदल में एक बार अगर इंसान घुस जाए तो फिर वो घुसते चला जाता है, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी कितने मैसेजेस मुझे आते हैं कि सर हम प्रीसी ट्रेनिंग कर लें, आप हमारी हेल्प कर दो, आप हमारी हेल्प कर दो। कम से कम 1,000, 2,000 लड़कों के मैसेज आते हैं, डेली आते हैं, बट कैसे हेल्प किया जा सकता है। आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, अपनी मतलब आपको अपनी हिम्मत को बरकरार रखना है, सही रास्ते से जाना है, सही लोगों को जाना है। मेरा ये जो चैनल है, मेरा जो मेरी जो वीडियोस है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि उनको पता चले वो गलत कामों में ना फंसे, ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। और दूसरा दोस्तों अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ये COVID-19 का टाइम बहुत बुरा चल रहा है। अभी जो इसका सेकेंड वेव में कोविड फैला है उसकी वजह हम खुद लोग हैं, हम कुंभ के मेले में जाते हैं, ठीक है जाते हैं, अच्छी बात है, हम हिंदू धर्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वजह से दूसरे इनोसेंट लोगों की भी जान जाए। कई लोग इस बात को नहीं मानते कि कोविड कुछ नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों को फैला है सेकेंड वेव में जाके देखो क्या क्या हुआ है, उन लोगों से पूछो। और गाइस आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कल मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव आया था तो काफ़ी लोगों ने मेरा वीडियो देख मीन्स लाइव देखा और बोलने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे सर आप रोज़ आया करो। कहीं बोलते हैं सर क्योंकि इससे क्या होता है, गेट टुगेदर मिलने से, एटलीस्ट अभी आज का ज़माना है जो लाइव का सेशन है, गेट टुगेदर मिलने से काफ़ी डाउट्स जो होते हैं मन के वो सब क्लियर हो जाते हैं। सो गाइज ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं लास्ट तक बोल रहा हूँ, एंड इस वीडियो को अपने जितने फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दीजिएगा, तो एटलीस्ट उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि हाँ ये एजेंट लोग करते क्या हैं।
और आप सब अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, ज़्यादा टाइम पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि यही स्टेज है। एक बार अगर आपका एग्ज़ाम निकल गया, फिर उसके बाद भले ही मत पढ़िएगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेज में मेहनत करिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है गाइज, बाय बाय, जय हिंद।